नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने झड़ते वालों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, हर तरह का ट्रीटमेंट आजमा चुके हैं, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो डोंट वरी, आज आपकी इसी टेंशन को मैं सिर्फ 5 मिनट में खत्म कर दूंगी। एग्जैक्टली, आज आपको मैं एक ऐसा रेमेडी बताने आई हूँ जो आपके बालों को लंबा घना करेगा, शाइनीपन लेकर आएगा, आपके बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि जब आपके बाल झड़ते हैं, सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपके बाल जो बहुत कमजोर हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, जिसका कंघी की जरूरत भी नहीं। बालों में अगर आप हाथ तक फेरते हैं तो भी आपके बाल झड़ने लगते हैं। और जब देखो, जब भी बालों में हाथ फेरना हो या कहीं लेटना हो तो हर जगह आपके बाल नजर आते हैं आपके घर में। जानती हूँ ये सारी समस्या आपको बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही रिक्वेस्ट किया था कुछ आसान सा रेमेडी बताएं जिसके लिए हमारे पैसे भी खर्च ना हो और रिजल्ट 101% मिले। तो आप ही के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं और ऐसी कुछ मजेदार वीडियो रोजाना देखना चाहते हैं, तो बस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और छोटी टन घंटी आइकन को जरूर प्रेस करें। क्योंकि जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास सारी चीजों का नोटिफिकेशन आएगा और आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो अगर इतना ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक जरूर करिएगा मेरी मेहनत के लिए। अब बढ़ते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए। सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है, देखिए, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे 10 से 12 कड़ी पत्ता। अब आप सोचेंगे, कड़ी पत्ता बालों के लिए? हाँ, यही तो बात है। अगर अपने बालों को आप मजबूत करना चाहते हैं तो कड़ी पत्ते का इस्तेमाल ना हो तो फिर उस रेमेडी का फायदा ही क्या। क्योंकि कड़ी पत्ते में होता है आयरन, फॉलिक एसिड, फास्फोरस, विटामिन सी, जो आपके बालों के लिए वरदान है। आपके बालों का रामबान तरीके से इलाज करता है, आपके बालों की जड़ों को मजबूत कर आपके बालों की लंबाई बढ़ाता है, आपके बालों में चमक लेकर आता है। और इसके साथ अगर आपको खुजली, इरिटेशन की समस्या है, जों की समस्या है, तो वो भी दूर करता है। इसके साथ हम ऐड करेंगे 10 से 12 पत्तियां नीम की। नीम में एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो आपके स्कैल्प में से सारे डैंड्रफ को खत्म करती है, जिसकी वजह से डैंड्रफ की वजह से आपका हेयर फॉल होता है और साथ में आपके बालों की जड़ों को मजबूत करती है। तो हमने 10 से 12 पत्तियां लेनी है नीम की। अब इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट लेंगे अदरक। अदरक आपने कितनी लेनी है, 1 इंच अदरक आप ले लीजिए। तो आपको अच्छे से धो लेना है, छिलके के साथ ही आप उसको कद्दूकस कर लीजिए और एक बर्तन में ये सारी पत्तियां इसको कद्दूकस करके उसमें डाल दीजिए। 1 इंच अदरक को अच्छे से इसको उबाल लीजिए और इसमें कम से कम आपको डालना है पानी 4 ग्लास। जब ये पानी उबल के कड़कड़ के 2 ग्लास रह जाए तो आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है और उसको किसी बर्तन में छान लेना है। अब यहाँ पर आपका ये रामबाण नुस्खा जो आपके बालों का है, जो आपके हेयर फॉल को स्टॉप करेगा, आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाए, आपके बालों को फिर से एक नई जान देगा, वो तैयार है। अब आपको क्या करना है, इसको या तो स्प्रे बॉटल में डाल लेना है, अपने बालों की जड़ों में अच्छे से स्प्रे कर लेना है। लेकिन घबराइए मत, अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कांची कटोरी में इसको ले लीजिए, किसी भी स्टील की कटोरी में ले लीजिए और कॉटन डिप करके अपने बालों की जड़ों में लगाइए और कम से कम इसको 2 घंटे के लिए अपने बालों में एज इट इज छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपने बालों को नॉर्मल पानी से धो लीजिए। ध्यान रखिएगा, सेम डे आपको शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करना, आपको इसका इस्तेमाल करना है अगले दिन, ठीक है। इस रेमेडी का इस्तेमाल आपने कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार करना है, हो सके तो आप एक दिन छोड़ के दोबारा भी कर सकते हैं, तो उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपके बच्चे की उम्र 18 साल की हो चुकी है तो उसका स्कैल्प थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो आप इस रेमेडी को भी उतने बच्चों के बालों में लगा सकते हैं, तो आप देखिएगा आपको कितना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जो भी आपके बालों में रिजल्ट रहेगा, प्लीज अपना ऑनेस्ट कमेंट जरूर शेयर करना, मैं आपके प्यारे से कमेंट का वेट करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।